हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा था, ठीक है? तो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिए थे उसके, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बाकी था, ठीक है? जो बच्चे लाइन एंड एंगल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो देखेंगे, तभी जाके ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू वन पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि कितनी लाइंस एक पॉइंट से बनाई जा सकती है। तो आप खुद सोचो, ये 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 ये, मतलब हम जितनी लाइन चाहें उतनी लाइन बना सकते हैं एक पॉइंट से। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनी, मैनी मतलब कई सारी लाइंस, ठीक है? फिर हाउ मैनी लाइंस कैन यू ड्रॉ थ्रू टू पॉइंट्स। सेम क्वेश्चन है, यहां एक पॉइंट की बात हो रही थी, यहां पे दो पॉइंट की बात हो रही है। तो आप खुद देखो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट्स हैं, आप कितनी लाइन बना सकते हो, मतलब उन दो पॉइंट से क्रॉस होनी चाहिए, तो बस आप एक ही लाइन बना सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कुछ बच्चों को तो शायद भूल गया होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूं। दो से ज्यादा पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये तीन पॉइंट्स है, ठीक है ना? अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पड़ जाए तो इन्हें कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। और दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में ना पड़े तो उन्हें कौन से पॉइंट कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए, हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन नहीं बना सकते। अगर लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसी टाइप की लाइन बनेगी। अब देखो, ये एक लाइन तो है नहीं, इसलिए इन पॉइंट्स को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और इसे इन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कितनी लाइन बना सकते हैं? एक, दो, तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन थ्री राइट एंगल्स। यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी डिग्री, कितने डिग्री थ्री राइट एंगल्स में हो सकते हैं, ठीक है? होते हैं। तो देखिए, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है थ्री राइट एंगल्स, तो बस थ्री से इंटू कर दो आप। आंसर आया 270 डिग्री। दैट मींस तीन राइट एंगल में टोटल कितने एंगल होंगे? 270 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन 2/5 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट एंगल का 2/5 कितना होगा। तो 2/5 मींस इनटू 2/5, ऑफ मतलब होता है का, 2/5 स्ट्रेट एंगल का कितना है? तो सॉल्व कर लो, 5 3 15, 30 72 डिग्री आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्री आर इन 1/10 ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल का 1/10 क्या होगा? तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, उसका 1/10 9 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री और इसका हो जाएगा 72 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, उसमें आपको पहचानना है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, 170 डिग्री, 180 डिग्री,
280 डिग्री एंड 70 डिग्री। बताइए कि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल मैंने बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो आपको इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। ये 170, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पिक आउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्वेश्चन में ये बताना है हमें कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। करिए सॉल्व। देखिए हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो दो एंगल का सम होता है जैसे 90 डिग्री, अगर उसमें से एक एंगल 45 डिग्री का है और दूसरा हमें निकालना है, दूसरा पूछ रहा है, तो बस 90 में से 45 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसी को क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं और मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री कर देता हूं, ठीक है। अब बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल बताना है 45 डिग्री का, ठीक है। तो अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी याद है तो सॉल्व हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी थी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर उनमें से एक एंगल 45 डिग्री का है और दूसरा एंगल निकालना है तो 180 में से 45 माइनस कर लो, आ गया 135 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए एक ये एंगल 40 डिग्री का है, आपको बताना है कि ये एंगल कितने का होगा, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर बताया था मैंने आपको, ऐसा टाइप का कुछ था। उसमें मैंने बताया था कि इसका और इसका, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एक और तरीके से समझ सकते हैं, स्ट्रेट एंगल क्या बताया था मैंने, ये आप खुद देखिए, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन में बना हुआ है, ये भी सीधी लाइन में बना हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है 180 डिग्री की प्रॉपर्टी स्ट्रेट एंगल में भी लगेगी और लीनियर पेयर में भी लगेगी। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 180 में से 40 को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आया वही होगा 140 डिग्री। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। चलिए अब आपको एक्यूट एंगल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि एक्यूट एंगल क्या होगा। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए इसमें से एक्यूट एंगल कौन सा है, ठीक है। और एक मैं आपको दे रहा हूं रिफ्लेक्स एंगल, आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि
एंगल पी ओ क्यू क्या है, एक इज ए स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि पी ओ क्यू ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है मतलब 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो अब बता रहा कह रहा है क्वेश्चन कि ये इतना 70 डिग्री का है, ये इतना 65 का, ये कितने का होगा। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर क्वेश्चन में बता दिया गया है कि पी ओ क्यू ये पूरा इतना 180 डिग्री का है, मतलब ये पूरा 180 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा ये निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर 180 में से अगर माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, क्योंकि ये पूरा है 180 डिग्री, हमें इतना पता है 70, इतना पता है 65, इतना बाकी है ना। तो अगर ये पूरा 180 है, पूरा यहां से यहां तक, और ये पता है, ये निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए और फिर 180 में से माइनस कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आया 45 डिग्री, मतलब x की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन ही बाकी है, रिफ्लेक्स एंगल। मैंने रिफ्लेक्स एंगल में आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो देखिए 180 से बड़ा तो ये भी है, ये भी है, लेकिन दूसरी क्या बात थी, 360 से छोटा होना चाहिए, 360 भी नहीं होना चाहिए, ये है 360 से छोटा, ठीक है। आई होप ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको हेल्प मिली होगी। लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।